नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौर। आज हम आपको हिमालय कंपनी के जो हिमचिलेट मिनरल मिक्सचर है इसका रिव्यू करेंगे। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आगे आने वाले इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। मिनरल मिक्सचर की उपयोगिता के लिए हमने पहले एक वीडियो दिया है जिसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, साथ ही साथ आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही एंड में भी आपको इसका लिंक मिलेगा जिसे आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि हिमालय कंपनी जो 1930 से पशुओं के जो मेडिसिन हैं और साथ ही साथ जो फीड सप्लीमेंट है उनको बनाने का काम कर रही है, यह मनुष्यों के लिए भी इसी तरीके की दवाइयां और फीड सप्लीमेंट्स जो है वह प्रोवाइड करवाती है। यह पशुपालकों के लिए किस तरीके से लाभदायक है इसके लिए जानते हैं कि जो ये हिमचिलेट मिनरल मिक्सचर है यह किस तरीके से उपयोगी रहेगा। जैसे कि कंपनी का दावा है कि यह दूध बढ़ाने में भी उतना ही कारगर रहेगा जितना आप कैल्शियम को उपयोग करते हैं। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको कैल्शियम को अलग से देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका रोजाना का खर्चा 7 से 8 रुपए प्रतिदिन का रहेगा, जिससे आपको पशुओं में काफी समस्याएं जो होती है न्यूट्रिशंस की कमी की और मिनरल्स की कमी की वह इससे पूर्ति हो जाएगी। यह किन किन चीजों में फायदेमंद रहेगा इसके लिए जानते हैं कि यह सबसे बड़ा फायदा इसका है कि यह दूध बढ़ाने में उपयोगी होगा। साधारणतः मिनरल मिक्सचर का आप जब भी उपयोग करते हैं तो पशु उसको खाने में आनाकानी करता है और साथ ही वह इससे कभी कभी दूध घटाने भी लग जाता है, क्योंकि आप उसको एक्सेस मात्रा में मिनरल मिक्सचर डालने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी पशु दूध घटाना शुरू कर देता है। इसके लिए कंपनी ने इसकी मात्रा एक स्पेसिफिक दी है जो 30 ग्राम की मात्रा प्रतिदिन की पशु को किसी एक समय सुबह या शाम में दी जानी चाहिए। 30 ग्राम की मात्रा को अच्छे तरीके से आप नाप पाए इसको मेजरमेंट कर पाए कि यह 30 ग्राम ही हो, इसके लिए इसके अंदर एक चम्मच स्पून दिया हुआ है प्लास्टिक का, जिसको अगर आप पूरा फिल करके डालेंगे तो वह मात्रा 30 ग्राम ही होगी और उसको आधा डालेंगे आप तो वह 15 ग्राम होगी। 30 ग्राम की मात्रा एक मैच्योर पशु के लिए काफी पर्याप्त रहेगी। यदि वह दूध दे रहा है तो भी उसके लिए उपयुक्त है और यदि वह दूध नहीं दे रहा है तो भी उसके लिए उपयुक्त है। मिनरल मिक्सचर को रेगुलर डेज में डे बाय डे आपको पशुओं को देना चाहिए। हीफर के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि यह फर्टिलिटी रेशियो को बढ़ाता है, साथ ही जो सर्विस का साइज है उसको भी डेवलप करता है, ताकि जब आप AI कर रहे हैं तो वह पहली बार में ही AI को मान जाए और जल्दी गाभिन हो जाए। इस तरीके के इसमें मेजरमेंट रखे गए हैं। साथ ही कंपनी एक 10 दिन का चैलेंज दे रही है जिसमें वह आपको चैलेंज दे रही है कि आप 10 दिन के लिए आप इसको यूज करेंगे तो आपको अपने पुराने दूध के अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा, उसकी क्वालिटी के अंदर फैट SNF में इंप्रूवमेंट मिलेगा, साथ ही साथ दूध की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। कंपनी का दावा है कि यदि आप इसे 10 दिन तक अच्छे तरीके से रेगुलर डेज में यूज करेंगे तो आपको निश्चित ही परिणाम मिलेंगे। यह जो दूध के अंदर सोमेटिक सेल काउंट होते हैं उनकी भी क्वांटिटी को कम करता है, ताकि यह जो मस्टाइटिस की प्रॉब्लम रहती है रेगुलरली जिन पशुओं में, उसको भी काफी हद तक इम्प्रूव करता है। जिन पशुओं में मस्टाइटिस की प्रॉब्लम यानी कि थनेला के रोग की जो प्रॉब्लम है वह रेगुलर रहती है, उसमें भी यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसकी एक स्पून 30 ग्राम की मात्रा में रहेगी, वह आप रेगुलर डेज में पशुओं को दे। साथ ही जो छोटे काफ है उसको 15 ग्राम दिया जा सकता है। इस मिनरल मिक्सचर की स्मेल इस तरीके की है कि यह पशु को खाते समय भी सुविधाजनक रहता है, क्योंकि इसके अंदर मेथी के जो एक्सट्रैक्ट है और साथ ही आंवला के जो एक्सट्रैक्ट है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है, और साथ ही इसके अंदर शतावरी जो दूध बढ़ाने में उपयोगी है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ताकि पशुपालकों के लिए कम खर्चे में मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम दोनों की पूर्ति एक ही प्रोडक्ट से हो पाए।
इस तरीके का प्रोडक्ट कंपनी बाजार में लेकर आई है, जिसको मैंने एक पशु पर टेस्ट करके भी देखा है, उसके परिणाम मुझे भी आशाजनक मिले हैं। यदि आप इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं तो आप इसकी बाजार से 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 20 किलोग्राम की पैकिंग के अंदर इसे ले सकते हैं। छोटी पैकिंग से यूज करें ताकि आप भी इसका 20 से 30 दिन का चैलेंज के तरीके से आप इसको यूज करें किसी एक पशु के साथ, तो आपको उसके परिणाम मिलेंगे। यदि आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं तो आप अपने सब पशुओं पर रेगुलरली इसको यूज कर सकते हैं। इसको देते समय ध्यान रखिए कि आप अपना पशु को जो कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर शुरू में दे रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें, और इस एक ही प्रोडक्ट को यानी कि सिर्फ मिनरल मिक्सचर को ही यूज करें, किसी कैल्शियम को अलग से देने की कंपनी का जो दावा है उसके अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। यह साथ ही साथ पशुओं की इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। जो मौसम के अंदर जो तब्दीली आती है, मौसम जब बदलता है तो उनको स्ट्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से पशु दूध घटा जाता है। मौसम का स्ट्रेस सर्दी और गर्मी का रहता है, साथ ही यह बरसात में भी उसी तरीके से आपको परेशान करता रहता है। साथ ही आप यह जान लें कि यह दूध बढ़ाने में भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर जो कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा है वह भी उतनी दूध के लिए दी गई है, और जो सतावरी है उसका भी भरपूर यूज किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो के अंदर दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ इसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्त पशुपालक मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई कमेंट हो तो वह भी आप इस सेक्शन में जरूर से दें। किसी अन्य सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।